हेलो गाइस, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे 9 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। वही आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसके द्वारा राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक यानी FPI लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, CII। CII के द्वारा हाल ही में राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक लॉन्च किया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, CII। क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अर्जेंटीना। दूसरा वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 6 जून से 8 जून तक आयोजित किया गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त वायुसेना अभ्यास गरुण 2019 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस। संयुक्त वायुसेना अभ्यास गरुण 2019 भारत और फ्रांस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 4, महाराणा प्रताप जयंती वर्ष के किस दिन मनाई जाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 6 जून। महाराणा प्रताप जयंती वर्ष में 6 जून को सेलिब्रेट की जाती है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6 जून। एंड गाइस, इस बार जो महाराणा प्रताप की जयंती थी वह 479वीं जयंती थी जो कि सेलिब्रेट की गई थी। और महाराणा प्रताप कौन थे? यह मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व नेताओं ने नॉर्मंडी पर डी डे की 75वीं वर्षगांठ मनाई जिसने द्वितीय विश्व युद्ध का स्वरूप बदल दिया था। नॉर्मंडी समुद्र तट निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस। फ्रांस में स्थित है नॉर्मंडी समुद्र तट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस। और यहाँ पर क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल में ही विश्व नेताओं ने नॉर्मंडी तट पर डी डे की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। क्वेश्चन नंबर 6, RBI ने बैंक के स्थानांतरण पर लागू होने वाले अपने शुल्क को निम्नलिखित दो वस्तुओं में से किसके लिए माफ किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों के लिए माफ किया है। पहला है RTGS एंड सेकंड है NEFT। इन दोनों वस्तुओं के लिए माफ किया है RBI ने बैंक के स्थानांतरण पर लागू होने वाले शुल्क को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा रेपो दर को सही ढंग से परिभाषित करती है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, वह प्रमुख ब्याज दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, RBI द्वारा 6 जून 2019 को संशोधित रेपो दर क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 5.75%। RBI द्वारा संशोधित रेपो दर है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, P-81 विमान को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अदन की खाड़ी में समुद्र में होने वाली डकैती की जांच के लिए तैनात किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इंडिया।
इंडिया ने अदन की खाड़ी में समुद्र में होने वाली डकैती की जांच के लिए तैनात किया है P-81 विमान को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त उद्यम है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 रूस। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 रूस। क्वेश्चन नंबर 11। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ज्यूरिख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से किसको चुना गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 जियानी इन्फेंटिनो को चुना गया है फीफा अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 13। नीले कड़ी पैनल ने सुझाव दिया है कि भारत में डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए RBI ने निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया है? ऑप्शन 1 RTGS और NEFT सुविधा 24/7 उपलब्ध होनी चाहिए। ऑप्शन 2 ग्राहकों द्वारा सरकारी एजेंसियों को किए गए भुगतान पर कोई सुविधा शुल्क नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 3 ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के उचित संख्या में डिजिटल भुगतान लेन देन शुरू करने और स्वीकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 RBI ने गाइज इन दिस वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।